लीजिए, अब मैं बढ़ने वाला हूँ उस रास्ते की तरफ जो मुझे कनेक्ट करेगा हाईवे के साथ। मैंने अभी तक मैप में चेक नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि यही है। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद मैप भाई साहब क्या बोलते हैं। लीजिए, सहारनपुर बाईपास पर मैं चढ़ चुका हूँ। लीजिए, यमुनानगर यहाँ से करीब 12 या 13 किलोमीटर अभी रह गया है, और ये एक पुल बना है यमुना नदी के ऊपर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है। पहले ये पुल नहीं होता था जब हम पहले थे, तो आपको उस तरफ एक पुल नज़र आ रहा, देखिए जहाँ से ऊपर जा रही है, तो वही एक पुल था, उसी से लोग आते और जाते थे। अब जाने के लिए वो है और आने के लिए ये पुल है, तो अब दो बन गए हैं। और उसके पीछे जो आपको ये आयरन का एक बना नज़र आ रहा है, ये ट्रेन का पुल है। तो जो सहारनपुर यमुनानगर अम्बाला के रूट को ट्रेन कनेक्ट करती हैं, वो इसी रूट से आती जाती हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं थोड़ी देर यमुनानगर में रुकूंगा और देखूंगा अपने पुराना स्कूल अगर वहाँ से निकला तो, और एक दो पुराने दोस्त हैं उन्हें फ़ोन करूँगा, जा कर के करूँगा, अगर हुए फ्री या अवेलेबल तो उनसे भी मिलूँगा, अदरवाइज क्रॉस करके मैं आगे निकल जाऊँगा। तो चलिए मिलेंगे जल्दी ही, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स में मैं यमुनानगर पहुँच चुका हूँ। टाइम हुआ है 10:10, यानी स्टैंड में बाईपास छोड़कर रेलवे लाइन के साथ साथ इस पुरानी सड़क जो पहले यहाँ थी उसी सड़क से बढ़ रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने साइकिलिंग शुरू की थी तो इसी रोड पर मैं अपने एक दोस्त के साथ आया करता था। लीजिए, मैं पहुँच चुका हूँ यमुनानगर और ले रहा हूँ एक शॉर्टकट। ये वही शॉर्टकट है जो मैं पहले लिया करता था इस पुल के नीचे से। मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी लाइफ में। ये रेलवे फाटक है, इसे यमुना गली कहा जाता है। यमुनानगरी लेकर पहुँचेगी मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर। पहुँच गया, ये है मेरे सामने यमुनानगर और जगाधरी दोनों का रेलवे स्टेशन। सब कुछ कितना अलग दिखता है। लीजिए, निकला मैं यहाँ से वापस। अब मैं छोटी लाइन जाऊँगा अपने दोस्त को मिलने। भीड़ हुआ करती थी लेकिन आज सोमवार है, मार्केट बंद है, तो उतनी भीड़ नहीं है। ये यमुनानगर का अग्रसेन चौक है। नॉर्मल डेज में तो यहाँ आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, आज खाली सड़कें इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है, मार्केट क्लोज है, शॉप्स बंद हैं। मैं पहुंच गया हूं छोटी लाइन। मुझे पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी कहां था उनका घर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, मैं साइकिल पे घूमता रहता हूँ। और सुनाओ, कहाँ होते हो आजकल? मैं अभी चंडीगढ़ में ही हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ में। तो अभी गांव का ट्रिप लगाया मैंने ऑलमोस्ट 15 साल के बाद। अच्छा, 15 साल से तो गांव गया ही नहीं था। अच्छा अच्छा, अब जब गांव गया तो मैं यहाँ सबसे मिल के चलता हूँ, इसलिए ठीक ठाक बिल्कुल। बस बहुत बढ़िया, आप ठीक हैं? नमस्ते जी। हाँ जरूर, बाकी लोग किधर है? अभी भी हाँ, गाड़ी हो गई। अच्छा हाँ, छोटे भैया वो अमृतसर चले गए। भैया
भाई अमित वो है नहीं सर, कहाँ गए? वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा जॉब कर रहे हैं? अच्छा मुस्तफाबाद, चलो ठीक है, किस्मत में ही था मिलना उनसे, और क्या है, मुझे बिल्कुल पापा जैसे ही दिखने लगे हैं, उन्हीं से ही है। क्या ना अमित आया था, मैं साइकिलिंग कर रहा था अभी, पूरा गांव का इलाका घूम के आया, आज चंडीगढ़ वापस जा रहा हूँ। नहीं मैं यूपी गया हुआ था, मुजफ्फरनगर और वो सब एरिया में, देवबंद के वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो फिर अभी मैं वापस निकल रहा हूँ चंडीगढ़ जाने के लिए, तो मैं सोचा चलो मिल के चलते हैं। चलो उनको बोल देना, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, बहुत पहले फ़ोन जब खोया मेरा तो नंबर भी खो गया, मुझे नंबर दो मैं उनको एक बार फ़ोन करूँ। मामा ठीक है? सब बढ़िया। एक आप एक छोटे भैया ना? नहीं एक बड़े भैया। बड़े भैया आपसे? ओके। मतलब पुराना नंबर है कोई मेरे पास हैप्पी भैया के नाम से? 685। हाँ ये पुराना नंबर है। बोल देना मैं निकलता हूँ अभी, किस्मत में था नहीं मिला उनसे। उनको कहना, अच्छा मेरा नंबर लो, उनको कहना फ़ोन करना एक बार जब आएंगे। जस्ट ये क्या लगा मेरा वैसे यार? अरे यार ये इतना बड़ा हो गया, ये तो बहुत छोटा था। हाथ वैसे रहा जैसे कोई जान पहचान वाला आदमी। अब जब आवाज सुनी तो याद आया क्या, तो वही है। और सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ भाई। घर में जाते हैं सब फर्स्ट क्लास? और सब बढ़िया। कहाँ घूम रहे हो? मैं गांव की यात्रा पे निकला था। अच्छा ये वाह जी, मैं अपने चैनल के लिए नई सीरीज शूट कर रहा हूँ, मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मेरा देश, 15 साल बाद मैं अपने गांव गया हूँ। पहले और आ रहे हो? हाँ मैं वापसी निकल रहा हूँ आज, आज मेरे ख्याल 10th डे है ट्रिप का। मेरे को थोड़ा सा वो लगा मेरे को एक बार यार, यहाँ निकला हूँ मैं भी, साइकिल लग रही है भाई साहब किसी की आई हुई है, डांट बोलूँ तो भाई साहब बुलाने आगे कभी जाएंगे। मैं तेरा नंबर मिलाया, तेरे मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं है। नंबर वही मेरे पास है ही नहीं, जरा रिंग करो। खालसा कॉलेज के सामने खड़ा हूँ और ये है खालसा कॉलेज। मैं निकल आया हूँ खालसा कॉलेज के बैक साइड वाले रोड पर, यहाँ से एक बैक साइड एंट्रेंस है, हम साइकिल पर यहीं से एंटर किया करते थे। छोटा सा दरवाज़ा जो होता था अब कितना बड़ा दरवाज़ा बन गया है। ये खालसा कॉलेज का गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था। मैंने यहाँ प्लस वन और प्लस टू 2 साल पढ़ाई की है कॉमर्स स्ट्रीम में। टाइम हुआ है 12:15, 1 बजे तक मुझे निकल जाना है। मैं नहीं चाहता कि अंधेरे में चंडीगढ़ पहुँचूँ। आज़ाद नगर का एरिया है और ये गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, या इनको इसी नाम से जाना जाता था। इन्हीं में से कुछ गलियों में मेरे दोस्तों के घर हैं, जिन्हें पता नहीं अब मैं पहचान भी पाऊँगा या नहीं। नीरज गुप्ता, अमित शर्मा, प्रमोद डांग, ये सब हैं जो इन्हीं गलियों में रहते हैं, कुछ जिनके नाम मुझे अभी तक याद हैं। अब ये रास्ता है जो दुष्यंत के घर जाता है, शायद यहीं कहीं मुड़ कर के उसका घर आता है। मेरा बहन, मेरा दोस्त, विक्रम पेंटर, और अब ये उनका घर है, फ़ोन करता हूँ उसे।